गाइस, अगर आपके पास ये डिवाइस है तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लाइफ से रिलेटेड एंड इस डिवाइस से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पे बात करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये मैं पहले ही बताया था कि इस डिवाइस में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट सीटिंग है, हिडन फीचर्स है जो आपको सीखना चाहिए। जी हाँ, आपके लाइफ के लिए ये डिवाइस बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस चीज को समझ पाएंगे इस डिवाइस से रिलेटेड, कि इस डिवाइस में काफी सारे सेटिंग है, फीचर्स है जो आपको सीखना चाहिए। और ये जो वीडियो लाया हूँ ये तो बहुत ही ऊपर लेवल का है। जी हाँ, बहुत ही ऊपर लेवल का है। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो एक बार आप टाइम निकाल के इस वीडियो को, इस डिवाइस से रिलेटेड पूरा वीडियो को जरूर देखना, एंड इस वीडियो को तो एक बार जरूर आपको देखना चाहिए। तो अगर आप न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। इससे ये होगा कि आने वाला हर एक वीडियो आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा इस डिवाइस से रिलेटेड। सो चलिए, क्या सेटिंग है उसको हम जान लेते हैं। इस फोन का जो पावर वाला बटन है, इसका कुछ राज है, वो राज मैं आपके सामने लाऊंगा अभी। ओके, सो वीडियो पे बनाएंगे। सो फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसी डिवाइस के सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के लिए आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सेटिंग। अगर आपको यहाँ पे ढूंढ के नहीं मिल रहा है, सेटिंग सर्च करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, बस इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हैं इस तरह से आपको जो है शो ऑफ हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आपको एक मेन यहाँ पे फीचर जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी का, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोगो टाइप का आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो यहाँ पे पावर वाला बटन जो है यहाँ पे दिखा रहा है इमरजेंसी का। उसी के नीचे यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, प्रेस द पावर बटन 3 times इन ए राउ टू मेक एन इमरजेंसी कॉल। अगर आप ये जो पावर वाला बटन है आप देख सकते हैं, ये जो पावर वाला बटन है इससे आप अगर तीन बार अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो इमरजेंसी कॉल लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इमरजेंसी पे ये कॉल, ये बटन जो है आपको प्रेस करना है सिर्फ 3 times। जी हाँ, इमरजेंसी यानी कि आप जो है कहीं ऐसा जगह फंस गए हैं, ओके, आपको कॉल करना इमरजेंसी है, या फिर कोई ऐसा लफड़ा में आप फंस गए हैं जहां पे आप कॉल करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, सो आपको कॉल करने के लिए कुछ छेड़खानी नहीं करना होगा। सिर्फ ये पावर वाला बटन 3 बार आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगा, जिसको आप लगाना चाहोगे उसे लग जाएगा इमरजेंसी के लिए। जी हाँ, सो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है आपकी जिंदगी के लिए। कभी भी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में कभी आप ऐसी जगह में फंस जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाता है, लेकिन कॉल करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसके लिए आपको डिवाइस निकालना होता है, नंबर चूज करना होता है, कॉल करना होता है, लेकिन डायरेक्ट आप इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं सिर्फ इस जो है बटन की मदद से। ओके, सो आपको यहाँ पे पूरा सेटिंग आपको पहले करना होगा, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिला इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब एड वाला बटन पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एड वाला बटन आप जैसे ही क्लिक यहाँ पे ऑन करोगे सो आपको आपके सामने जो है कुछ नंबर आ जाएंगे, या फिर आप जो है कुछ जो नंबर इमरजेंसी के लिए, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं जिस वक्त इमरजेंसी पे फंस जाऊँ या जिस वक्त इमरजेंसी पे रहूँ इस नंबर पे मेरा कॉल चला जाए, उस नंबर पे कॉल लग जाए, सो उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। सेव करोगे और वो नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा नंबर है तो यहाँ पे सर्च करके आप उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, वो नंबर को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो है जिस वक्त भी इमरजेंसी पे रहूं, ऐसे जगह फंस जाऊं कि ये कॉल जो है मेरा इस पर्सन के पास जाए जहां से मुझे हेल्प मिले, सो वो नंबर आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड उसी नंबर को आपको यहाँ पे इमरजेंसी पे ऐड कर देना है। ऐड कर दिए, उसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे पूरा वीडियो को देखना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेडिकल इन्फो, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड इस तरह से ऐड वाला जो है बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक कर दिए, अब आपको यहाँ पे देखने को मिला फर्स्ट में नेम, हाइट, वेट, ओके, ब्लड, सेक्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डोनेट, ये काफी सब कुछ आपको ये देखने को मिला। अगर आप अगर किसी डॉक्टर के पास से हुए हैं या फिर डॉक्टर का कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है वो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं इमरजेंसी के, वो काफी ज्यादा आपको जो यहाँ पे हेल्प करेंगे। ओके, सो ये चीज आपको, ये फॉर्म आपको पूरा फिल कर लेना है। अगर आपको मालूम है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, पूरा चीज ये चीज आपको फिल कर देना है। यहाँ पे फिल कर दिए, ऊपर की ओर ये राइट वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब मैं यहाँ से फिर से बैक आता हूँ। अब यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने को मिला है इमरजेंसी कॉल एंड मैसेज, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे आ जाओगे जब से, सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट में यहाँ पे ऑटो कॉल इमरजेंसी सर्विस। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली कॉल योर डिवाइस इमरजेंसी, यानी यही बता रहा है कि ये पावर वाला बटन अगर 3 बार आप फटाक से 3 बार आप जो प्रेस करते हैं तो इमरजेंसी पे कॉल लग जाएगा। कौन किस पे लग जाएगा, जो नंबर आप वहां पे सेव करोगे जो मैं बताया उसी पे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला साउंड अलर्ट बिफोर डायलिंग।
कि आप साउंड चाहते हैं सो आपको इसे ऑफ ही रहने देना है, ऑन नहीं रहने देना है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आप कॉल करोगे सो उस वक्त आपको साउंड नहीं चाहिए, ओके, नहीं तो दूसरे पर्सन को मालूम चल जाएगा, सो आपको साउंड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इस तरह से आपको रहने देना है। एंड उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट इमरजेंसी सर्विस नंबर, ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे ये जो है इमरजेंसी नंबर जो यहाँ पे सेव किया हुआ है, अगर मैं 3 बार प्रेस करूंगा तो इस नंबर पे कॉल लगना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सो आपको यहाँ पे अपना नंबर देना है जिससे आपको हेल्प मिले, जिससे ओके, सो वो आपको अपना नंबर यहाँ पे देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे ऑटो सेंड SMS विथ लोकेशन, सो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से एड नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर देने बोल रहा है, तभी ये काम हो जाएगा फर्स्ट में। सो मैं नंबर नहीं दिया इसलिए यहाँ पे नंबर देने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे समझ लो यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। सो आपको पहले नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ऑटो सेंड SMS विद लोकेशन, यानी इमरजेंसी पे आप जिसको कॉल करोगे पावर वाला बटन से, उसको क्या होगा कि SMS उसके पास भी चला जाएगा एंड आपका लाइव लोकेशन जो है वो भी उसके पास सेंड हो जाएगा, और जिसके पास भी जाएगा वो वहीं से देख सकता है, मालूम चल जाएगा कि हाँ आप जो है इस वक्त इमरजेंसी पे है एंड आपका लाइव लोकेशन क्या है वो अपने डिवाइस से मालूम कर लेगा। सो आपको क्या करना है, इसे आपको ऑन करके रखना है, अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं सो इमरजेंसी में बहुत ज्यादा आपको जो है हेल्प मिलने वाला है। एंड उसके बाद अगर अबाउट पे क्लिक करोगे सो उसी इमरजेंसी से रिलेटेड आपको काफी कुछ यहाँ पे चीज बताया हुआ है, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पे बैक आता हूँ तो यहाँ पे और भी काफी कुछ आपको देखने को मिला है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है कोई अर्थक्वेक अलर्ट, यानी इसे अगर आप ऑन कर दोगे तो आप जहाँ पे हैं ये डिवाइस आपका जहाँ पे भी है उस पर कुछ अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, कुछ अलर्ट कर देगा आपको कि अभी जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, होने वाला है, आपके कुछ दूरी में, कुछ डिस्टेंस दूरी में रहेगा सो आपको यहाँ पे मालूम कर देगा अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो, ओके। उसके अलावा काफी कुछ यहाँ पे आपको जो है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री, ये सभी पूरा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। सो आपको ये काम जरूर करना है अगर आप इस डिवाइस को यूज करते हैं तो, इससे ये होगा कि इमरजेंसी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। सो मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग भी ये डिवाइस यूज करते हैं सभी को ये यूज करके रखना है, ओके। सो मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग मेरा शायद कट जाएगा अगर मैं यहाँ पे जो प्रेस करूंगा, सो मैं फिर भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, 3 बार आपको इसे प्रेस करना है फटाक से। सो गाइस यहाँ पे मेरा कॉल जो है रिकॉर्डिंग जो है कट हो गया था क्योंकि डिस्प्ले ऑफ हुआ था, ओके। सो आप जो है ट्राई करके देख सकते हैं जो यहाँ पे बताया। सो इस तरीका को, इस फीचर्स को आप जो है जरूर इसे ऑन करके रखिए, जरूर फिल करके रखिए, ओके। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फीचर्स आपके लिए कैसा है नहीं है कमेंट पे जरूर बताना। आपके लिए अगर अच्छा है तो गुड लिखेगा, अगर खराब है तो बैड लिखेगा। सो इस फोन से रिलेटेड काफी सारे और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, पूरा इस फोन का जो है पूरा पुर्जा पूरा सेटिंग वेटिंग पूरा चीज मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।